हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 18। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, तो ये आपके पास पजल है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ट्राई करिएगा। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, देखिए। उस टाइम से बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, हैव एनरोल्ड इन डिफरेंट कोर्सेस। कोर्सेज के नाम आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ईच ऑफ देम स्पेंड्स डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स, सब ने अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किए हैं। आपके इस नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद ईच कोर्स इज सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 1 पर्सन एंड एटमोस्ट 2 पर्सन, और हर एक कोर्स में कम से कम 1 पर्सन तो है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन हो सकते हैं। इतनी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर इन्हीं सब पर बेस उसने यहाँ पर कंडीशंस दी है, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर कोर्सेज लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। फिटनेस है, ठीक है, मार्केटिंग है, देन म्यूज़िक है, देन फोटोग्राफी है, देन डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। देखिए, उसने क्या बताया कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय काजी एंड वन ऑफ द पर्सन हु हैव सब्सक्राइब टू फिटनेस इज 4। ओके, उसने बोला कि जो डिफरेंस है किसके बीच में, काजी और उस पर्सन के बीच में जिसने फिटनेस में एनरोलमेंट कराया है, वो कितना है, 4 है, ठीक है। उसके बाद द ओनली सब्सक्राइबर ऑफ डिज़ाइन स्पेंड्स प्राइम नंबर ऑफ आवर्स इन इट। ओके, तो ओनली सब्सक्राइबर मतलब यहाँ पर आपके सिर्फ एक ही है, और उसका जो उसने जो आवर्स स्पेंड करें हैं वो प्राइम नंबर में है। अगर प्राइम नंबर में है तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए, 5 हो सकता है, 13 हो सकता है, और इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास 5 आ सकता है, फिर 13 आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि यू इज़ अ सब्सक्राइबर ऑफ म्यूज़िक एंड स्पेंड्स इवन नंबर ऑफ आवर्स इन इट। ओके, यू आपके पास सब्सक्राइबर है किसका, म्यूज़िक का, और उसने इवन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किया है, मतलब कितना करा होगा उसने, या तो 20 करा होगा या फिर 26 करा होगा, ठीक है। उसके बाद द सब्सक्राइबर ऑफ फोटोग्राफी स्पेंड्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ आवर्स इन इट। ओके, वो पर्सन जो कि फोटोग्राफी में उसने हाइएस्ट नंबर ऑफ आवर्स, मतलब क्या, 39 आवर्स स्पेंड किए होंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस इन द हार्स स्पेंड बाय सीता एंड विनीत इज 6। ओके, सीता और विनीत के बीच में डिफरेंस है, वो कितना है, 6 आवर्स का है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रतिमा स्पेंड्स प्राइम नंबर ऑफ हार्स ऑन द कोर्स। ओके, प्रतिमा कितना स्पेंड करती है, प्राइम नंबर ऑफ हार्स, मतलब क्या, 5 और 13, ठीक। उसके बाद टीना एंड प्रतिमा आर नॉट सब्सक्राइबर ऑफ फिटनेस एंड मार्केटिंग रिस्पेक्टिवली। ओके, और टीना और प्रतिमा ये दोनों ही किस में नहीं है, फिटनेस में नहीं है, और आपके पास मार्केटिंग में नहीं है, मतलब क्या, इन दोनों में आपके पास कौन नहीं होगा, ना ही टीना है ना ही प्रतिमा है, ठीक। उसके बाद बोथ रितु एंड सीता आर द सब्सक्राइबर ऑफ द सेम कोर्स। ओके, रितु और सीता दोनों ही सेम कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद उसने बोला कि डिफरेंस इन द हार्स स्पेंड बाय प्रतिभा एंड टीना ऑन देयर सब्सक्राइब्ड कोर्स इज एटमोस्ट 13। ओके, जो डिफरेंस है किसके बीच में, प्रतिभा और टीना के बीच में, वो आपके पास एटमोस्ट 13 है, मतलब क्या, 13 से कम ही होगा या फिर 13 के बराबर होगा, ठीक है, 13 से कम या फिर 13 के बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद एटलीस्ट 4 पर्सन स्पेंड्स मोर हार देन द वन ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मार्केटिंग। ओके, उसने लगे कि कम से कम 4 लोग हैं जो कि ज़्यादा स्पेंड करते हैं टाइम किससे, वन ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो एक कोई सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा 4 लोग हैं। अगर 4 लोग हैं तो 1, 2, 3, 4, मतलब क्या, ये आपके पास कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है या फिर 13 हो सकता है, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वन ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मार्केटिंग स्पेंड्स इवन नंबर ऑफ आर। ओके, और एक और आपके पास जो मार्केटिंग वाला है वो इवन नंबर ऑफ आर सब क्या करता है, स्पेंड करता है, मतलब 20 करेगा या फिर 26 करेगा, ठीक है। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। अब अगर हम बात करते हैं एस और वी की, तो देखिए इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 6 आवर्स का गैप है। अगर हम बात करें यहाँ से आपके पास की, आप क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5 और फिर 6 का गैप 11 नहीं है,
नाइन और सिक्स आर का गैप 15 नहीं है, 13 और सिक्स आर का गैप आपके पास 19 नहीं है, 2026 हो सकता है क्या? आपके पास एस और वी 2026 नहीं हो सकता, बिकॉज हम जानते हैं ना कि यू आपके पास क्या है, वो आपका 20 या फिर 26 में से है, मतलब आपके पास इन दोनों में से कोई एक तो यू होगा ना, तो आपके पास ये दोनों 20 और 26 में नहीं आ सकते, राइट? उसके बाद 26 फिर 32 नहीं है, तो आपके पास यही पॉसिबिलिटी बचती है 33 और 39 की, मतलब क्या एस और वी की आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास 33 और 39 में से इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यू और फिटनेस की, तो इसको देखिए आपके पास चार का गैप है, तो अगर हम फोर के गैप में बात करें, फाइव और नाइन आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और नाइन और थर्टीन एक आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास किसी में भी फोर आर का गैप नहीं है, इसका मतलब अगर हम बात करें क्यू और फिटनेस की, ठीक है, तो आपके पास इनके बीच में जो गैप है वो कितने का होना चाहिए आपके पास, फोर का, मतलब फाइव नाइन हो सकता है या फिर आपके पास नाइन और थर्टीन हो सकता है, राइट? यही हमारे पास हो सकता है ना। अब एक चीज़ को और समझिएगा, उसने हमसे पहली लाइन में क्या बोला था कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय काजी एंड वन ऑफ द पर्संस, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द पर्संस हु हैव सब्सक्राइब्ड फॉर फिटनेस, इसका मतलब आपके पास फिटनेस में एक से ज़्यादा लोग हैं। अभी तक अगर हम देखें ऑलरेडी देखिए पाँच लोग आपके पास क्या हो गए, फिक्स हो चुके हैं, तो जो दो रिमेनिंग आपके पास बचे हुए हैं वो ऑब्वियसली आपके पास यहीं पर आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर आएंगे तो एक चीज़ को समझिए, हम जानते हैं ना कि एस और वी में से एक आपके पास क्या है, 33 और 39 में से है, और इसके अलावा एस और आर दोनों क्या है, साथ में, तो इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है, एस आपके पास 39 तो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर आपके पास इकलौता कौन है, पर्सन है, इसका मतलब एस आपके पास कितना होगा, 33 होगा, तो वी आपके पास कितना होगा, 39 होगा, राइट? ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर मैं बात करता हूँ एस की, अब एस कितना है, 33 है, तो एस यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पर 33 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब एस और आपके पास आर यहाँ पर आएगा, एस 33 है, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब देखिए टी और पी आपके पास यहाँ पर नहीं थे, उसने यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ कर दिया रेस्पेक्टिवली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब क्या, टी आपके पास फिटनेस पर नहीं था और पी आपके पास मार्केटिंग में नहीं था। इसका मतलब अगर पी आपके पास यहाँ पर नहीं है तो पी के लिए सिर्फ एक प्लेस बची है, ऑगस्ट टी क्या हो सकता है, या तो टी आपके पास यहाँ पर होगा या फिर टी आपके पास यहाँ पर होगा। हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास जो पी है वो क्या हो सकता है, या तो फाइव हो सकता है या फिर 13 हो सकता है, राइट? अगर इन केस पी आपके पास कितना होगा, फाइव होगा, तो उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास इनके बीच में जो हार का गैप है वो एटमोस्ट कितना है, 13 है। इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, अगर पी आपके पास फाइव होता तो टी की वैल्यू आपके पास कितनी होती, देखिए यहाँ पर ना ही 20 हो सकती है, इजंट इट, बिकॉज वो तो आपके पास फिर 13 से ज़्यादा हो जाएगा ना, और ना ही आपके पास 26 हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि पी आपके पास 5 तो नहीं होगा, तो पी आपके पास कितना होगा, 13 होगा, और अगर पी आपके पास 13 है, इन दैट केस टी आपके पास क्या हो सकता है। अब एक चीज़ को और समझिएगा, अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू आपके पास कहाँ सकता है, अब देखिए क्यू की जो पॉसिबिलिटी थी वो तो इन दोनों में से थी ना, तो इसका मतलब क्यू आपके पास यहाँ पर तो नहीं होगा, क्यू आपके पास यहीं पर होगा, टी आपके पास यहाँ पर होगा, और अगर टी यहाँ पर आपके पास है तो वो 20 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है, ठीक है। अब क्यू आपके पास 13 तो हो नहीं सकता, लेकिन क्यू की आपके पास ये दो वालों पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। सिमिलरली आर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 5 और 9 में से पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बाकी इन दोनों की पॉसिबिलिटी है और इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। आई होप क्लियर होगा, इसमें आपके पास पॉसिबिलिटीज़ थी तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।